हे फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी रेसिपी। तो हम एक पैन लेंगे, इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फिर इसमें दालचीनी ऐड करें। फिर इसमें गोश्त ऐड कर दें। फिर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर दें। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इन टमाटरों को 5 से 10 सेकंड के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। तो ये हमारा गल चुका है, तो देख लीजिए हमारे सारे टमाटर गल चुके हैं। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। फिर इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें। फिर इसमें हम कोथमीर ऐड कर देंगे। तो तैयार है आपकी चिकन करी।